नमस्कार, आप देख रहे हैं MB न्यूज 27, देश का विश्वसनीय न्यूज चैनल। महिला की मौत पर घंटों सड़क जाम। दरभंगा के DMCH में प्रसव के दौरान गलत ब्लड चढ़ाने से दलित महिला गंगा देवी की मौत हो गई, जिसको लेकर DMCH की जांच टीम ने 5 डॉक्टरों को दोषी पाया। इसके बावजूद दरभंगा प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। इस घटना से आक्रोशित बेला मोहल्ला वासी, दलित शोषण मुक्ति मंच, कांग्रेस आदि ने दिल्ली मोड़ NH-57 को 4 घंटे तक जाम कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोषी डॉक्टर के ऊपर कार्यवाही के लिए स्वास्थ्य सचिव तथा मुख्यमंत्री को लिखा गया, लेकिन दोषियों पर मुकदमा दर्ज न होना दुखद है। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भोला पासवान प्रशासन पर राजनीतिक दबाव के कारण मामले पर पर्दा डालने का आरोप लगाया। राजद नेता सुशील नंदन दास ने मृतक परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा देने की मांग, ऐसा नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। दरभंगा से पत्रकार राजू सिंह की रिपोर्ट। दरभंगा के विधायक, एक दलित महिला की मौत हुई है और चुप्पी साधे हुए हैं। कहीं न कहीं ये जो डॉक्टर पर कार्रवाई है, उस कार्रवाई को ठंडा बस्ता में डलवाने का काम सांसद और विधायक की ओर से हो रही है, क्योंकि सांसद और विधायक ये जो हत्यारा डॉक्टर है उसको संरक्षण दे रहे हैं। भाजपा जदयू के सरकार में लगातार दलितों पर हमले हो रहे हैं, कमजोर वर्गों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन हमलावरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए हम मांग करने आए हैं, जो गंगा देवी के मौत के जो जिम्मेवार लोग हैं उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और मृतक के परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। दलित शोषण मुक्ति मंच राज्य महासचिव श्याम भारत। मृतक के परिवार को मुआवजा के लिए हम लोग यहाँ सड़क पर आए हैं। हम तमाम बेला के साथियों से आग्रह करेंगे, जो आज एक गंगा देवी का सवाल नहीं है, दूसरी बेटी की मौत DMCH में नहीं हो, इसका भी लड़ाई हम और आप लड़ रहे हैं। इसलिए तमाम साथी यहाँ बैठिए और धैर्य पूर्वक इस आंदोलन को, जब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं हो जाता है, ठोस वार्ता नहीं हो जाती है, तब तक हमारा कार्रवाई चलता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे।